उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को हिरासत में लिया गया है। चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची थी उनकी पत्नी निकत अंसारी को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि निकत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने चित्रकूट जेल में मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर पहुंची थी। जब अचानक तलाशी ली गई तो उनके पास से मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ। यह मुलाकात डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी जिस दौरान तलाशी ली गई थी। इसके बाद इस मामले में जेल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं निकत अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही जेल प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी जाँच के आदेश दिए गए हैं, जहां डीआईजी जेल प्रयागराज को इस मामले की जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद चित्रकूट जेल में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही अब्बास चित्रकूट जेल में बंद है।